नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। कोलकाता के इंडोर स्टेडियम में आयोजित तृणमूल कांग्रेस के कर्मी सम्मेलन से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने विधायक और मंत्रियों को किया सतर्क। मोबाइल फोन पर ज्यादा बात न करने और व्हाट्सएप भी यूज न करने की हिदायत दी। इतना ही नहीं, विधायक व मंत्रियों को अपने लेटर पैड पर नौकरी की रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करने से भी मनाही की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मवेशी तस्करी कांड में गिरफ्तार बीरभूम जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अनुव्रत मंडल के समर्थन में फिर बयान दिया। कहा, केष्टो को जेल में बंद कर तृणमूल कांग्रेस को दबाया नहीं जा सकता। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी के जुलूस में एक दल महिलाओं ने लगाया गो बैक का नारा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि गो बैक नारे के साथ पत्थरबाजी भी की गई। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद गो बैक का नारा लगाने वाली महिलाओं को हटाया गया। बताया जाता है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ आगामी 13 सितंबर को नवान्न अभियान को सफल बनाने के लिए विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में रैली निकाली जा रही थी। पश्चिम बंगाल राज्य में एक और, जहां अवैध कोयला उत्खनन एवं तस्करी कांड की जांच कर रही सीबीआई राज्य के कानून एवं श्रम मंत्री मलय घटक से पूछताछ कर रही थी, वहीं दूसरी ओर बीरभूम जिले के लखी नारायणपुर से पुलिस ने 50 टन अवैध कोयला बरामद किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इलाके के एक बाशिंदे के घर से ये कोयला बरामद किया। घर का मालिक फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में शारदा चिटफंड घोटाले में गिरफ्तार देवयानी मुखर्जी ने सीआईडी पर लगाए गंभीर आरोप। देवयानी की मां शर्वरी मुखर्जी ने जेल में बंद अपनी बेटी से मिलकर सीबीआई को लिखा पत्र। सीबीआई को लिखे पत्र में उन्होंने सीआईडी पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि राज्य विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी एवं सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती के खिलाफ गलत बयान देने पर दबाव बना रही है सीआईडी। मवेशी तस्करी कांड में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल राज्य के बीरभूम जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अनुव्रत मंडल की संपत्ति का पता लगाने के लिए सीबीआई की टीम बोलपुर में कर रही है जांच पड़ताल। सीबीआई की टीम ने बोलपुर के सरकारी एवं गैर सरकारी बैंकों के अधिकारी, ज्वेलरी दुकान के मालिकों एवं लैंड रजिस्ट्री ऑफिस के अधिकारियों से छानबीन कर रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस, आवर मिशन। नमस्कार। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।